सुप्रभात, मेरा वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और हम जानते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री मींस ब्रिटिश रूल, वी कैन से दैट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया के भीतर क्या क्या हो चुका होगा और कौन कौन सा कहाँ से क्या आया है। अगर हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल सेक्रेटरेट, हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटरेट का मीनिंग क्या है। अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटरेट कहाँ से आता है, उसका कौन इम्प्लीमेंट किया है और कब इम्प्लीमेंट हुआ है। सो पहला पॉइंट यही जानते हैं कि ब्रिटिश रूल में इम्प्लीमेंट हुआ है, ब्रिटिश रूल ब्रिटिश ही किए हैं। अगर पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, प्लीज़ अंत तक वीडियो देख लीजिए। सो पहला पॉइंट यही कि 1843 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेपरेटेड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बंगाल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से सेंट्रल सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ है, 1843 में हुआ है, जो कि 1845 के रिवोल्यूशन के बाद सारा चेंज हो चुका होगा गवर्नर से वाइसरॉय। सो आप जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और मैं भी आपको पढ़ाऊँगा मेरा वीडियो लेक्चर्स में। सो 1859 में वो का लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, कंसिक्वेंटली मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इसका मतलब है कि सेंट्रल सेक्रेटरेट जो भी है, जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, जो इन ब्रिटिश रूल, इन ब्रिटिश के अंदर जो वो कहलाता है गवर्नर जनरल काउंसिल। वो काउंसिल को वो क्या करते हैं, गवर्नर जनरल काउंसिल भी कहलाता है। अगर देखें तो इन 1905 द टीनेचर सिस्टम ऑफ सेक्रेटरी स्टाफिंग इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भी चेंज किया है 1905 में, वो चेंज किया है जो कि सेक्रेटरेट स्टाफिंग भी कहलाता है। सेक्रेटरेट स्टाफिंग में जो 1905 में हुआ है, जो 1905 में रेलवे बोर्ड है सेटअप द रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिक्वेंटली कंट्रोल द ट्रांसफर। जैसे कि जानते हैं लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ रेलवे तब इंडिया में बनाया जाता था, तो उसमें रेलवे बोर्ड जो भी है, रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिक्वेंटली कंट्रोल ऑफ रेलवे और ट्रांसफर इनटू द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि प्राइवेट से पब्लिक बन गया जो कि रेलवे बोर्ड है। अगर देखें तो 1947 डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमेन मिनिस्ट्री इन ऑल थ्री। सो लास्ट में यही दर्ज किया गया है कि 1947 में सारा चेंज हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री और सेंट्रल सेक्रेटरेट बन चुका होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।